अलीगढ़ में विश्व होम्योपैथिक दिवस के उपलक्ष्य में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले हैनीमैन का 269वां जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। यह जानकारी डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी और बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हैनीमैन का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यह जन्मोत्सव रामघाट रोड पर स्थित होटल पर्ल में मनाया जाएगा। वहीं डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय ने बताया कि होम्योपैथिक एलोपैथिक की तुलना में ज़्यादा कारगर है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जिनके जन्म 1755 में जर्मनी के अंदर हुआ, उन्होंने ही इस पैथी को ईजाद किया, उन्होंने इस पैथी को बनाया। आज हम उनका 269वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से अलीगढ़ शहर में हम उसको मनाते हैं हर साल, उससे पहले भी मनाते हैं। जब से होम्योपैथिक डॉक्टर बने हैं तब से वो हमारे गुरु के रूप में रहे, उन्हीं ने इसको जन्म दिया, उन्हीं की हम पूजा करते हैं, उन्हीं की बदौलत आज लाखों लोग इस होम्योपैथिक डॉक्टर बन के उनके कंपाउंडर बन के आज रोजी रोटी उनको मिल रही है। कब कहाँ कितने बजे कार्यक्रम होगा, क्या क्या विशेष होगा इस कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सिल्वर पर्ल होटल रामघाट रोड पर होगा और शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। इसमें हम 2 लोगों को सम्मानित करते हैं हर साल, जिनका सीनियर स्टोर होता है होम्योपैथिक का और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं। इस बार हम डॉक्टर बी के शर्मा होली चौक पर हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। वो इस समय हमारे यहाँ सबसे सीनियर इस वर्ष के डॉक्टर। और दूसरा स्टोर है साई होम्यो स्टोर खिरनी गेट पर, वो इस वर्ष का सबसे सीनियर स्टोर है, उसको उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि होम्योपैथिक के अपेक्षाकृत लोग जो एलोपैथिक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, एलोपैथिक का प्रचलन वर्तमान परिवेश में ज़्यादा है, क्या कारण मानते हैं इसका? होम्योपैथिक से हटके जो लोग जा रहे हैं एलोपैथिक में, अब फिलहाल जो स्थितियाँ बदल रही हैं उसमें ये बदल रही हैं कि जिस समय एलोपैथिक दवाएँ हम लोग लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट रहता है। लोगों को ये भ्रम अब दूर हो गया है कि ये कहीं साइड इफेक्ट करेगी, वो दौड़ के आते हैं कहते हैं कि साहब कम से कम आराम नहीं करेगी, हमको फ़ायदा नहीं करेगी, तो ये हमको नुकसान नहीं करेगी। मगर आज आप सोच लें कि ये सिर्फ इमरजेंसी में एलोपैथिक रह गई है, इस समय होम्योपैथिक ही फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा ये जो पैथियाँ हैं ये अभी होम्योपैथिक से काफ़ी पीछे, और लोगों का धीरे 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 रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अब लोग बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक पर विश्वास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की अपील शहर के लोगों से आपकी होगी, खासतौर से होम्योपैथिक को लोग जो लाइक करते हैं उनके लिए? जो लोग क्रॉनिक केस से फंसे हुए हैं, जो एलोपैथिक दवाएं 10-10 साल से 5-5 साल से खा रहे हैं, जो ऑल इंडिया में भाग रहे हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, उनसे मेरी अपील रहेगी कि एक बार अगर उन्होंने होम्योपैथिक दवा नहीं खाई है तो वो होम्योपैथिक दवा खा के देखें, उनको 125% आराम मिलेगा, चाहे वो कितने भी क्रॉनिक केस में क्यों ना फंसे।